सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। जब जब तू भेंचोद ऐसा स्टेटमेंट देगी मेरे हिंदुस्तान के बारे में, तब तक मैं तेरी माँ चुप। कैसा कैसा लेते फिर? मेरा लंड खेल रहा हूँ, फ्री फायर खेल रहा हूँ। फ्री फायर तो बंद होने वाला है। अरे कौन बंद कराने वाला? भाई की भोसड़ी, गांड मार दूंगा, खिले ठोक दूंगा गांड में भोसड़ी को। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. अब इस वीडियो के टाइटल देख के आपको पता लग रहा होगा भाई ये टाइटल हमने कहीं देखा है, पहचाना पहचाना सा टाइटल है ये। तो ये टाइटल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता ये नहीं हो तुम, बल्कि जब तक तुम ऐसा टाइटल लगा के वीडियो अपलोड नहीं करते, ना ही तुम प्रो हो ना ही तुम नूब हो। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा यूट्यूब के एल्गोरिथम कहती है। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी बड़े नूब हो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा गेम प्ले कितना भी खराब है, बल्कि तुम अगर 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल देके उसका गेम प्ले रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अच्छे थंबनेल के साथ अगर ये टाइटल से अपलोड किया ना, तो इसके भी व्यूज आ जाएंगे। तो ये टाइटल लगा के बड़े से छोटा क्रिएटर व्यूज छाप रहा है, तो आप लोग किस बात की वेट कर रहे हो? और मैं भी क्या भेंचोद, हम लोग क्या 135 करोड़ हिंदुस्तानी घर में बैठ के आधा माधा कौन कौन पादा खेलेंगे? और इससे पहले एक ट्रेंड आया था, फोर ग्रैंडमास्टर प्लेयर्स कॉल मी चूत नूब, तो जो भी लोड़ा लसन है। ये ट्रेंड तो बहुत समय तक चला, बल्कि अभी तक चल रहा है। फिलहाल उसको नूब बुलाने वाले ग्रैंडमास्टर प्लेयर्स तो नहीं होते, उसकी उतनी भी औकात नहीं कि ग्रैंडमास्टर प्लेयर्स उसकी लॉबी में आए, फिर भी वो टाइटल लगाएगा, थंबनेल लगाएगा फोर ग्रैंडमास्टर प्लेयर्स कॉल मी चूत सॉरी नूब। अरे यार गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। तो पहले भी बता देता हूं, ऐसा मैं कोई भी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा जिसने ऐसा टाइटल लगा के वीडियो अपलोड किया हो, बल्कि अगर कोई बंदा ऐसा वीडियो देख रहा है तो यार एंटरटेनमेंट मिले यार इस वीडियो को। नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना वॉइस चेंज कर लेते हैं लड़की के वॉइस में और उसको वीडियो अपलोड करते हैं ग्रैंड मास्टर गर्ल कॉल मी चूप अरे सॉरी नूब, और कहीं कहीं वॉइस इतना क्लियर होता है बेंचोद मेरे को सही में पता नहीं चलता वॉइस चेंज किया या सही में लड़की है। अगर है तो बेंचोद इतने हरामी बंदे है ना ये, मतलब एक वीडियो बनाने के लिए लड़की के मुंह से गाली खाने के लिए रेडी है ये लोग। ये बात तो क्लियर है कि वीडियो पूरी स्क्रिप्टेड होती है और उसमें भी 100-150 में लड़की एडजस्ट करके खुद के मुंह से ये अपने आपको गाली बुलवाएंगे। 150 रुपया देता हूँ एक शॉट का, अगले टाइम 100 रुपया देगा। इतनी सस्ती थोड़ी है, जो माँ की गाली दी है ना, इसके लिए 150 ही बहुत बड़ी डील है। और कितना एक्सपेक्ट करोगे एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने के लिए? अब ये देखो मनीष वाले को मैं खड़ा कर रहा हूँ थंबनेल बनाने के लिए। अब होगा 1 क्रिमिनल बंडल वर्सेस 5 मनीष बंडल। अब मैं चाहूँ तो इसे नॉर्मल वीडियो बना सकता हूँ ना, नहीं लेकिन मेरे को मनीष वाले चाहिए मेरे को, क्योंकि इससे बंदे अट्रैक्ट होते हैं, खासकर 9 साल की ऑडियंस। अब ये देखो मैंने इसको बोला था मनीष का ड्रेस पहन के आओ, लेकिन नहीं, इसको तो वुकोंग चाचा पसंद है ना। चलो अब एक सेल्फी ले लेते हैं। अब इस वुकोंग चाचा को मैं समझा के थक चुका हूँ कि सीधे खड़े हो जाओ, अब तो इनको ऊपर फेंकना ही पड़ेगा। ये बना थंबनेल, अब कुछ पकड़म पकड़े खेल लेते, फैक्ट्री के ऊपर आ गए। तो ये देखो भाई साहब ग्लोअल लगा दिया, ये क्या? ये लोग मेरे को पीछे से ऐसे चेस दे रहे जैसे इनके पास पूछ हो और मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया हो। अब हम भी क्रिमिनल बंडल वाले हैं भाई साहब, हमारी भी थोड़ी इज्जत करो। तुम भले नए इवेंट पे आए हो, चोर चपाटी हो, लेकिन हम बहुत पुराने समय से हैं, बहुत पुराने हैवान हैं हम। सारे के सारे मुक्के से हमला कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी हार मानेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, भाई ऑर्गेनिक गेमर्स क्या बकचोदी कर रहा है फैक्ट्री के ऊपर? भैया तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए मस्त रोस्ट वीडियो लाया हूं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक मस्त रोस्ट वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको देख के इतनी हंसी आएगी ना कि आप भूल जाओगे आप किस लोक में जी रहे हो। और उस वीडियो को आप जरूर से देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रुको जरा, ये वीडियो पहले कंप्लीट देख के जाओ ताकि मेरे को भी थोड़े बहुत वॉच टाइम मिल जाएगा। भैया ये लोग तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये लोग मेरे को ऐसे चेस कर रहे हैं जैसे मैं एक आतंकवादी हूँ, मेरे पास एक बॉम्ब है। वैसे आपको पता है दुनिया में 2 टाइप के बॉम्ब होते हैं, जिसपे इंसान एक टाइप के बॉम्ब को चेस करता है और दूसरा बॉम्ब इंसान को भगभगा डालता है। तो वो दोनों बॉम्ब का नाम है एटम बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। अब आपको लग रहा होगा पहली बार ऑर्गेनिक गेमर्स इतना सिली जोक्स क्यों मार रहा है, कहीं ऑर्गेनिक गेमर ट्रिप तो नहीं है, ऑर्गेनिक गेमर से सस्ता माल फूक लिया है? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को फैक्ट्री के ऊपर कमेंट्री देने के लिए और कुछ शब्द है ही नहीं, तो इसलिए मैं कुछ भी मुंह पे जो आ रहा है वो बोले जा रहा हूँ। तो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती है कि नहीं, तो क्या मैं ऐसा वीडियोस बनाना चालू करूँ या आपको फ्री फायर कम्युनिटी न्यूज देता रहूँ, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, नहीं तो एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन करके एग्जाम के दिन आप सब कुछ भूल जाओगे। अब हम 1v3 वाले इतने प्रो बंदे भी नहीं है, लेकिन हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। तो गाइस वो वीडियो दिखाने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। सबसे पहले मैंने शेयर कर दो यार वीडियो को, कर दो यार, भगवान आपको चूतियों से बहुत दूर रखेगा। कोई कमेंट सेक्शन में आके आपको ब्लेसिंग्स देता है तो आप इतने सारे लाइक्स देते हो, लेकिन मैं तो आपको खुले वीडियो में दे रहा हूँ ब्लेसिंग्स। तो भैया आपको छोटी सी शेयर तो आपको हो जाएगी, वीडियो आराम से शेयर कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है सभी तक आप शेयर कर दो। Are you challenging me? सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। जब जब तू भेंचोद ऐसा स्टेटमेंट देगी मेरे हिंदुस्तान के बारे में, तब तक मैं तेरी माँ चुप। कैसा पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ
कैसा लेते फिर टप टप तो आइंदा से मेरे नाद में मत लग, समझा? पाकिस्तानी कलाकारों का अगर बहिष्कार किया तो मैं देश छोड़ दूंगा। क्या बोलो? जावेद अख्तर का बयान, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल।